वो आग लग गई दबा के। क्या डेंजर था, हाँ आवाज सुना क्या? क्या खतरनाक है भाई, वीडियो भेज रहा है, देख अभी। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड में रात करीब 2 बजे के आसपास में रामनगर परिसर जो नया कमिश्नरेट बनाया है, उस कमिश्नरेट के पीछे इस रामनगर के खाली मैदान में गैस सिलेंडर का काम हुआ करता था। यहाँ पर गैस फिलअप किया करते थे, जहाँ पर करीब 7 गैस के ब्लास्ट हो चुके हैं और यहाँ पर आवाज़ इतनी तेज़ गूंजी कि आसपास के करीब 4 से 5 किलोमीटर तक का लोगों में दहशत का माहौल बन गया। आसपास की जितनी इमारतें हैं उन इमारतों में जो गैस के कनेक्शन हैं उन कनेक्शंस को बंद कर दिया गया है। लोग अपने घर से उतरकर सेफ जगह पर जा चुके हैं। इस तरह का रेस्क्यू का काम भी आसपास की इमारतों के जो वॉलंटियर है, जो रहवासी है या जो सोशल वर्कर है, इन लोगों ने किया है। सूत्रों के हवालों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक व्यक्ति जख्मी हुआ है, गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे भक्तिवेदांत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार 7 गैस के सिलेंडर के ब्लास्ट हुए हैं। उन गैस सिलेंडर के टुकड़े आसपास में करीब 500 मीटर तक का फैले हुए हैं। इस वक्त दमकल कर्मी अग्निशमन विभाग बड़ी मशक्कत कर रहा है कि किसी भी तरह से उन गैस सिलेंडरों पर काबू पाया जा सके या उन जो सिलेंडर के जो ब्लास्ट होने वाले हैं उन्हें रोका जा सके। अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद है। अपनी जान जोखिम में डालते हुए फायर ब्रिगेड के कर्मी यहाँ पर बड़ी मशक्कत करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले में स्थानीय निवासी जो यहाँ के आई विटनेस है, जिनके नज़रों के सामने या जिन्होंने अपने कानों से इन गूंजों को सुना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। यहाँ पे गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। कब की घटना है ये? ये 1 घंटे पहले ब्लास्ट चालू हुआ था और अभी कंसिस्टेंटली 10वां ब्लास्ट हुआ है अभी। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला, कहाँ रहते आप यहाँ पर? हम यहाँ पे ही रहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स में ही हम यहाँ पे खड़े थे और अचानक से वहाँ ब्लास्ट की आवाज़ आई और हम वहाँ देखने गए तो कंसिस्टेंटली ब्लास्ट चालू हो गया वहाँ पे। अभी भी चल रहा है? हाँ, अभी भी चल रहा है, 10वां ब्लास्ट हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी विद इन 5 मिनट्स में आ गई थी, 5-10 मिनट्स में आ गई थी। तो कोई इंजरी वगैरह हुई है आपके नज़र? नहीं, यहाँ पे इंजरी किसकी नहीं हुई है। मेरा नाम दीपक है। कहाँ रहते हैं? और यही सोसाइटी में यहाँ पे हम लोग रहते हैं और यहाँ पे ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड में यहाँ पे स्टोरेज होता था सिलेंडरों का, तो वहीं पे पहला ब्लास्ट हो गया था अराउंड 1:30 बजे रात को, फिर वहीं से सब शुरू हुआ और अभी 10वां 11वां ब्लास्ट उधर हुआ है। और जहाँ तक हमें अंदाजा है उसका कंप्लेंट भी पहले भी किया गया है कि वहाँ पे सिलेंडरों का स्टोरेज अनऑफिशियल गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी रहती थी, गाड़ियाँ और सिलेंडर जो है वहाँ पे स्टोरेज किया जाता था ओपन ग्राउंड में। कौन से सिलेंडर थे ये? घर के गैस सिलेंडर, जो घर पे खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर यूज होते हैं, एलपीजी सिलेंडर थे। कौन से कंपनी के? भारत वो उतना तो डिटेल नहीं है अभी, वो तो बाद में वहाँ पे जाएंगे तो पता चलेगा वहाँ पे, मगर बहुत स्टोरेज होता था सिलेंडर। स्टोरेज का करीबन 2 से 3 साल पहले से शुरू हुआ है उधर और उसका लगातार शायद कंप्लेंट भी हुआ है क्योंकि वो ओपन लैंड पे होता था स्टोरेज और बहुत बड़ा क्वांटिटी में होता था स्टोरेज, तो ये कभी ना कभी तो होने वाला ही था। अभी हो गया ये और होप कि अभी बुझने के बाद में पता चलेगा कोई जान का हानि हुआ है कि नहीं। करके स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी। हाँ, आजू बाजू के सोसाइटी वाले सब अभी नीचे उतरे हैं और उतर के सब एक जगह पे रुके। जितना हो सका हमसे, हमने सबको नीचे उतार दिया है। सब बिल्डिंग्स के सब रूम्स की लाइट जो गैस लाइन से बंद कर दी है, लाइट्स भी बंद कर दी गई है और सबको सेफ जगह हमने वहाँ पे रख लिया है, गार्डन के एरिया में हमारा गार्डन। और पुलिस और फायर ब्रिगेड जल्दी आ गया था, विद इन 5-10 मिनट्स तो सब लोग आ ही गए थे। आप देख सकते हैं ये गैस का खाली बाटला है जो उड़कर यहाँ पर आया है, पूरी तरह से ये खाली है, जिसमें शायद आग लगी थी जिसे बुझाया गया है। अंदर मैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी से बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे जो आप है, ये जो पत्रा यहाँ पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कैमरे को दिखाए, हमारे दर्शकों को दिखाए कि पर गैस को फिलअप करने का काम किया जाता था, इस तरह की जानकारी स्थानीय निवासियों ने दी है। साथ में ही उन्होंने हमें ये भी बताया है कि उन्होंने इस गोडाउन की कई मरतबा शिकायतें की कि यहाँ से उनके जीवन को खतरा है, कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इस तरह की शिकायत के बावजूद भी यहाँ पर शासन प्रशासन ने अभी तक का अनदेखी की है।
नहीं, मुझे तो कमलेश बोरी इधर का स्थानीय नगर सेवक है साहब, वो उसने दो मिनट में मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा इधर एक सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है, खाली इतना ही बोल दिया मैदान पे। तो मैंने तुरंत इधर से मेरे इधर से नज़दीक का फायर स्टेशन है सिल्वर पार्क फायर स्टेशन, वहाँ से गाड़ी भेज दिया। दो कम से कम चार मिनट के अंदर इधर गाड़ी आ गई। तो इधर दो ट्रक में फायर हुआ था, दो ही ट्रक वो सिलेंडर से भरा हुआ था। तो ये आग का गहरा रूप इधर हमने देख के बाद हम सब फायर स्टेशन से गाड़ी मंगवाए हैं, सात गाड़ी इधर आ गए हैं फायर का, फायर टेंडर वो होते और दूसरा दो टैंकर आ गया और चारों बाजू से उधर फायर का मतलब फायर के ऊपर पानी का मारा कर दिया और आग कंट्रोल में आ गया। 95% सिलेंडर बचा दिया हमने और किसको भी ये दुखापत नहीं होने दी। वजह तो ऐसा लगता है कि कोई ये आग तो जानबूझ के लगा है, ऐसा लगता है मुझे। सर कितने यहाँ पर सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है? वो कम से पांच सिलेंडर का ब्लास्ट तो मेरे सामने हुआ है। कोई इंजरी हुई है यहाँ पर? नहीं हुआ है इंजरी। एक सिलेंडर यहाँ से उड़ के उधर हमारे पास 500 मीटर तक वो गिर के पड़ा है हमारे नज़दीक। सात वाटर टेंडर लगा है और दो टैंकर है उसको पानी सप्लाई करने का, कम से कम 9 गाड़ी इधर पानी के लगी है और मेरा कम से कम वो 52-53 वर्कर ऑफिसर काम कर रहा है इधर, 5-3 ऑफिसर काम कर रहा है, मैं खुद एक आया इधर और 52-53 वर्कर है हमारा। कितना समय लगा सर ये पूरा कंट्रोल करने के लिए? डेढ़ घंटा लग गया। तो मैं बाहर देखा तो सारे हमारे बगल के लोग सब डर के मारे सब रास्ते पे उतर गए थे और हम जाके टेरेस के ऊपर जाके देखा तो पीछे की तरफ पूरा एकदम अंगार दिख रहा था। तो मैंने डायरेक्ट इनको फ़ोन किया, बोराडे साहब को, फायर ब्रिगेड के, उनको ये हकीकत बताया, उनको पूरा डायरेक्शन दिया कि ऐसे ऐसे जगह पर पूरा अंगार दिख रहा है और उतने में और ब्लास्ट दो कंटिन्यूस हो गए। तो जैसे कि आकाश में एकदम अंगार होता है ऐसा पूरा उसका उजाला फैल गया। तो बोले कोई तो भी बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। फिर हम लोग नीचे उतर के सब लोग भयभीत हुए थे, उनको बोला कि आप लोग अंदर घर पे सेफ रहो। फिर मैंने गाड़ी निकाला, मेरे साथ में मेरे सब लोगों को जो अगल बगल के लोगों को लेके पॉइंट पे आया तो सब पूरा पब्लिक, नहीं तो भी मेरे ख्याल से 400-500 लोग सब रास्ते पे खड़े थे और आके देखा तो पूरा अंगार दिख रहा है। तो बोराडे साहब को बोला, ऑलरेडी वो लोग पहुँचे थे लेकिन थोड़ा दूर थे, उनको मालूम नहीं था कौन से यहाँ से अपन नज़दीक जा सकते। फिर उनको जो प्लेजम पार्क रोड से मैंने बोला, उन्होंने दो फायर ब्रिगेड गाड़ी भेजा, उनके साथ में मैं भी आया और एकदम जहाँ पर ये अंगार लगा था नज़दीक आके उन्होंने अच्छी तरह से वो अंगार बुझाने का काम कर दिया। गाड़ी पार्क किया हुआ था गैस का, जो HP के गैस सिलेंडर है वहाँ का, दो बड़ा गाड़ी और एक छोटा ऐसा पिकअप गाड़ी पैक किया हुआ था पार्किंग। तो वहाँ से फिर गैस लीक हुआ या कुछ एक्सीडेंट है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन जैसे ही उसका ब्लास्ट होने लगा तो आजू बाजू के लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को। तो पुलिस की जो टीम है नाइट राउंड वाले सभी गाड़ियाँ मतलब चारों पोल्यूशन का गाड़ियाँ यहाँ आई थी और सब स्पॉट पे आने के बाद फायर ब्रिगेड भी उस टाइम समय आया तो सबने मिलके वो आपको अभी तो वहाँ तो ब्लास्ट रुक गए हैं लेकिन आगे की कार्रवाई जो है वो देखेंगे क्या हुआ, किस घटना से हुआ। अभी उसमें तो कैजुअलिटी की कोई अभी तक पता नहीं चला है। मैं बोल रहा है कि भाई एक रास्ते से जा रहा था उसको लगाए पैर को खाली और उसको भक्ति विधान में लेके गए तो हम लोग वो चीज़ भी वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे एक जो दो HP गैस के ट्रक जिसमें सिलेंडर्स भरे हुए हैं वो यहाँ पे पार्किंग करके खड़े थे। जैसे हमें कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन मिली तुरंत इमीडिएटली हमारा पूरा टीम लेके काशीमीरा पुलिस स्टेशन, मीरा रोड, नया नगर, सब पुलिस स्टेशन के नाइट राउंड के ऑफिसर स्टाफ यहाँ पे इमीडिएटली आ गए थे। इन बिटवीन हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया था, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पे आई और यहाँ पे जो ट्रक में जो सिलेंडर थे उनका ब्लास्ट होना चालू हुआ था, उसमें अराउंड 6-7 सिलेंडर्स का ब्लास्ट हुआ है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर आकर वो जो आग जो लगी थी वो अभी आग बुझाया है
और आगे की कार्रवाई कश्मीरा पुलिस स्टेशन के थ्रू होने वाली है। सर इसमें कुछ जख्मी भी है ऐसी कोई जानकारी? हाँ, यहाँ पे अराउंड 600 to 700 meters जहाँ पे रोड है, रोड के तरफ जाने वाला एक जो पेडेस्ट्रियन है उसको नॉर्मल इंजरी हुआ है ऐसा मालूम हुआ है, तो उसके बारे में आगे की इंक्वायरी चालू है। रात के 3 बज रहे और यहाँ पर दमकल कर्मी और पुलिस की मदद से आग को काबू में लाया गया है। और गैस सिलेंडर का जो ट्रक यहाँ पर पीछे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो खड़ा है, उसी ट्रक में के जो गैस सिलेंडर थे उन गैस सिलेंडर का ही ब्लास्ट हुआ है जो उड़ के काफ़ी दूर तक पहुँचे है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक HP का ट्रक है, ये आप देख सकते हैं एक HP का ट्रक है जिसके अंदर गैस के बाटले रखे हुए हैं और दमकल कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर किसी भी तरह से और ब्लास्ट न हो इसकी कोशिशें कर रहे हैं। पानी का छिड़काव लगातार जारी है, पुलिस प्रशासन भी यहां पर काफ़ी मुस्तैदी से मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है इन दमकल कर्मियों की। यहाँ पर लगभग आग को या इस ब्लास्ट को आगे बढ़ने से रोकने में इन लोगों ने, इन कर्मियों को सफलता प्राप्त हुई है। ये आप देख सकते हैं ये वही पूरा खाली मैदान है जहां पर गैस सिलेंडर का फिलअप हुआ करता था और जिसकी अनेक मरतबा स्थानीय निवासियों ने शिकायतें की थी। आपको दिखाते कुछ और झलकियां। मैं हूं इस वक्त उस ट्रक के पास खड़ा हुआ जहां पे उस ट्रक में जो सिलेंडर भर रखे हुए थे उसमें आग लग चुकी थी और धीरे धीरे ये ब्लास्ट का सिलसिला शुरू हो चुका था। नीचे आप देख सकते हैं यहां पर ये एक गैस का बाटला पड़ा हुआ है जो उड़कर ट्रक से बाहर गिरा पड़ा हुआ है और साथ में इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से दमकल कर्मी पानी के प्रेशर से पूरे ट्रक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 95% इन्होंने काबू कर लिया है। नंबर तो होत होता ना याला छोटा छोटा पक्का खाली है का? पुढचा बघ ना, पुढचा बघ, पुढचा बघ। तीन गाड़ी है ना लाइट चालू करा, स्पीड वाढव सप्लाई बंद कर।
करीब 4 बजे तक का जिस ट्रक में एक गैस सिलेंडर रखे हुए थे उन सिलेंडरों को निकाल कर उन्हें पानी में डाइल्यूट कर दिया गया है। हर सिलेंडर को निकाल कर उसकी गैस खारिज कर दी गई है और यहां पर दमकल के जो कर्मी थे उन लोगों ने तब कहीं जाकर राहत की सांस ली। जिस तरह का अफरा तफरी का यहां पर माहौल दिखाई दिया उसके चलते पुलिस ने भी काफ़ी जिम्मेदारी से अपनी यहाँ पर भूमिका निभाई है। आसपास में जो लोग यहाँ पर जमा हो रहे थे इकट्ठे हो रहे थे उन्हें कंट्रोल करने में पुलिस ने बड़ा योगदान दिया है। साथ में ही दमकल कर्मी के उन सभी जांबाजों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जान हथेली पे रख के उस ट्रक को कंट्रोल किया जिसमें गैस सिलेंडर रखे हुए थे, उसमें आग भी धीरे धीरे लगती जा रही थी। पूरे मामले में काशीमेरा पुलिस थाने में FIR दर्ज की जाएगी और आग लगने का जो कारण है उसका भी पता लगाया जाएगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा फाइंडर। धन्यवाद।